हे एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ प्रैक्टिस शीट्स। और आज की शीट में द मोस्ट कॉमन एरर जो हर कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। योर क्वेश्चन नंबर वन, नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर डिड दिस। ना सिर्फ उसने बट उसकी सिस्टर ने ऐसा किया। एंड योर एरर इज नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर डिड दिस। याद रखेंगे नॉट ओनली के साथ कभी भी बट सिंगल नहीं आता, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ पेयर। क्वेश्चन नंबर टू, नॉट ओनली शी जॉइंट कराटे क्लासेस बट ऑल्सो कुंग फू। एंड योर एरर इज नॉट ओनली शी के साथ नहीं आएगा, कराटे से पहले आएगा। शी जॉइंट नॉट ओनली कराटे क्लासेस बट ऑल्सो कुंग फू। क्या याद रखना है, नॉट ओनली उस वर्ड से पहले आता है जो वर्ड दो ऑप्शन में इंक्लूडेड हो, एक ऑप्शन हो दो में से। जैसे नॉट ओनली शी ज्वाइंट का मतलब है ना सिर्फ उसने पर किसी और इंसान ने भी ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं उसने ना सिर्फ कराटे क्लासेस पर कुंग फू भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर थ्री, द किड रेड द न्यूज़पेपर बिफोर ही टोल्ड द न्यूज़ टू हिज फ्रेंड्स। किसी बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, आपको टोल्ड वर्ड से पता लग रहा है, पास्ट है, इससे पहले कि उसने ये न्यूज़ अपने फ्रेंड्स को बताई। एंड योर एरर इज द किड हैड रेड द न्यूज़पेपर बिफोर ही टोल्ड द न्यूज़ टू हिज फ्रेंड्स। क्यों? अगर दो सेंटेंस बिफोर से ज्वाइन हो, एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो, तो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट का भी पास्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, नो आई वॉजंट फ्री दैट टाइम, आई वॉज प्रिपेयरिंग राजमा वाइल ही कुक्ड और वाइल ही स्टीम्ड राइस। एंड योर एरर इज वाइल वर्ड जब आप देखते हैं दैट इंडिकेट्स, वो दिखाता है कि दो एक्शन या कोई एक एक्शन गोइंग ऑन है, हो रहा है, कंटिन्यूस टेंस में है। तो जब वॉज प्रिपेयरिंग कंटिन्यूस है, वाइल है, मतलब दो चीज़ें साथ में हो रही हैं, कोई इंसान राइस स्टीम कर रहा है। नो आई वॉजंट फ्री दैट टाइम, आई वॉज प्रिपेयरिंग राजमा वाइल ही वॉज कुकिंग और ही वॉज स्टीमिंग राइस। क्वेश्चन नंबर फाइव, सेम सेंटेंस है, नो आई वॉजंट फ्री दैट टाइम, आई वॉज प्रिपेयरिंग राजमा वाइल शी एंटर्ड द रूम। एंड योर एरर इज यहाँ पर वाइल नहीं होगा, वॉज प्रिपेयरिंग कंटिन्यूस है, बट ये एक्शन हुआ जब शी एंटर्ड द रूम। आप रूम को एंटर एक ही बार कर सकते हैं, एक ही मिनट में वो एक्शन हो गया, चलता नहीं जा रहा, कोई इंसान बार बार रूम एंटर नहीं कर रहा। तो वाइल शोज कंटिन्यूस टेंस एंड वेन शोज एक एक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पर हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुलिस इज सर्चिंग द थीफ। एंड योर एरर इज पुलिस आर सर्चिंग द थीफ। पुलिस वर्ड हम हमेशा प्लूरल मानते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आएगा आर। ये सिंगुलर कब होता, जब पर्टिकुलरली मेंशन होता पुलिस मैन इज सर्चिंग द थीफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, ही इज ओके नाउ क्वेश्चन मार्क। एंड योर एरर इज, ये शायद आपने मोस्ट ऑफ लोगों ने ये एरर पकड़ लिया होगा, इज ही ओके नाउ क्वेश्चन मार्क। क्या याद रखना है, जब भी एक सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट। बट क्वेश्चन का हल्का सा चेंज हो जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इज़ ही ओके नाउ, अच्छा ही इज़ ओके नाउ, ये क्यों हमें सही लगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो ठीक है अब और क्वेश्चन मार्क, हम फोकस करते हैं है वर्ड पे, ठीक है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर एट, माइट बी यू आर राइट। एंड योर एरर इज यू माइट बी राइट, माइट बी स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, फिर से सेम पैटर्न, हिंदी वाले सेंटेंस को एज इट इज इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। परहैप्स वर्ड
स्टार्टिंग में लगता है, माइट बी बीट में लगता है. क्वेश्चन नंबर 9, ही गेव मी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. एंड योर एरर इज इन द वर्ड एक्सप्लेनेशन. कई बार क्या होता है, हम ग्रामर पे फोकस करते रह जाते हैं और एरर होता है स्पेलिंग का. एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेन में एल ए आई एन होता है, पर जब हम उसे एक्सप्लेनेशन बनाते हैं तो आई हट जाता है. एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर नाउ अ डेज, आई एम सो हैप्पी फॉर हर. एंड योर एरर इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर नाउ अ डेज, आई एम सो हैप्पी फॉर हर. इसका रीज़न मैं पहले एक वीडियो में अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ. सो मीट यू इन अनदर वीडियो विथ सम अदर यूजफुल टॉपिक और यूजफुल प्रैक्टिस शीट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.